हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बाने गॉसिप में। लग्जरी बजट टास्क हो चुका है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि दिव्या अग्रवाल ने आखिरकार किसको विनर घोषित किया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर दिव्या से नाराज हूँ, आप लोगों को बताऊंगी जरूर मैं दिव्या से क्यों नाराज हूँ, और इस बात से शायद आप भी कहीं ना कहीं सहमत जरूर होंगे। दिव्या जो है वो काफी ज्यादा साफ दिल की है, ये साफ तौर पर उनकी बातों से नजर आता है, पर कभी ना कभी किसी को खुश करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है ऐसी। जहां पर दिव्या ने यह भी बात बोली थी कि राकेश अगर इतने ज्यादा एक्चुअली में फिकर कर रहे हैं तो क्यों नहीं इनको बॉसमैन और बॉस लेडी बना देते। तो आज लग्जरी टास्क घर के अंदर हुआ, जहां पर अपने कनेक्शन को पैम्पर करना था। इसके तीन राउंड थे और तीन राउंड होने के बाद घर के गार्डन एरिया में टेबल सजाए गए थे, जहां पर लड़कों ने अपनी तरफ से काफी सारी डिशेस बनाई और वहां पर टेबल पर रखा और गाने चले, इन्होंने डांस किया। और उसके बाद बिग बॉस ने दिव्या से पूछा कि कौन इस लग्जरी टास्क का विनर होता है। दिव्या ने सब लोगों को अलग अलग नेम दिए, अलग अलग बातें बोली और काफी ज्यादा उनके इज्जत सम्मान किया, पर ये इज्जत सम्मान करने के बाद उन्होंने जो है इस लग्जरी बजट टास्क का विनर जो है वो मुस्कान चौटाला और निशांत को बना दिया। जहां पर उन्होंने बोला कि कोई भी अगर मुस्कान को बैठे हुए खाते हुए देखेगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। और उन्होंने ये भी बात बोली कि निशांत कल ही निशु को बोल रही थी कि भाई मुझे डेट पे लेके जा, और आज डेट भी हो गई है, बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। पर ये डिसीजन से मैं थोड़ी सी नाराज हूं कि लग्जरी टास्क था, सही बात है, इन लोगों ने यूनिटी दिखाई तो आपकी भी दोस्ती है। आप कभी भी यूनिटी नहीं दिखाते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर आज लग्जरी बजट टास्क जो है अक्षरा और मिलन को दे देते, जहां पर अक्षरा ने बहुत प्यारी साड़ी पहनी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, इन्होंने एक्चुअली में एक दूसरे को पैम्पर किया, जो कि होना चाहिए, जो कि एक्चुअली में हमारी जनता को पसंद आता है। मिलन जो है वो काफी ज्यादा जेंटल लग रहे थे, उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से अक्षरा के लिए अपने तरीके से चीजें बनाई, काफी सारी चीजें ऐसी की जो कि काफी ज्यादा नोटिस करने वाली थी। पर नोटिस करने के बाद भी दिव्या ने जो है इस लग्जरी बजट का विजेता जो है मुस्कान और निशांत को बनाया, वो भी गलत बात नहीं है और बायस नहीं है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली ये जो डिसीजन लिया अपने अकॉर्डिंगली लिया। पर जहां पर दिव्या अग्रवाल ये बात बोल रही है कि ये लोग एक होके ये बात कर रहे थे, और इन्होंने अगर इनको प्रॉब्लम थी कि तुम नेगेटिव जा रही हो अक्षरा, तुम मतलब कि बहुत ही ज्यादा सैड हो रही हो अक्षरा, तुम्हें बकलप होना पड़ेगा, तुम्हें सब चीजें भूलनी पड़ेगी, तो वहां पर तुम्हें बॉस लेडी और बॉस मैन तो बना सकते थे अगर तुम खुश नहीं हो। जहां पर मिलन और अक्षरा और दिव्या के साथ लगातार अत्याचारी हो रही है घर के अंदर, वहां पर आज अगर एक खुशी का मौका आया अक्षरा के फेस पे खुशी लेने का, तो वहां पर दोस्त बनके अक्षरा और मिलन का नाम क्यों नहीं ले सकती थी। यहां पर उन्होंने उनका नाम नहीं लिया बिल्कुल भी, जिससे मुझे गुस्सा आया है। दिव्या अग्रवाल काफी ज्यादा साफ दिल की है, पर फिर भी मुझे लगता है कि गेम में गेम खेलनी चाहिए और कभी कभार अपने दोस्तों के लिए सब चीजें करनी चाहिए जो कि बाकी लोग करते हैं। उन्होंने मिलन गाबा और अक्षरा का जो एक्चुअली में पैरामिट जो था वो लगातार तोड़ा, और दिव्या अग्रवाल ने भी वहां पर अपनी दोस्ती दिखाई और उन्होंने प्रतीक का जो है पैरामिट तोड़ने की कोशिश की, पर पूरे घर वाले जो है एकजुट हो गए। तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो, क्यों अपनी सच्चाई ऐसे दिखा रहे हो? तुम्हारे से कोई बुरा करता रहे तुम हमेशा उसके साथ अच्छा करते रहो, ये तो सब चीजें नहीं है। हालांकि आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मैं दिव्या से काफी ज्यादा नाराज हूं, आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।